आई एम कंचन चौधरी, आपका हमारे चैनल लर्न बाय वॉच में स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप एक वीडियो रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने भी अपना एक खुद का रिज्यूमे क्रिएट किया है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। एक सैंपल के बेस पे मैंने क्रिएट किया है। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने अपना एक खुद का रिज्यूमे क्रिएट किया है, जिसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स दी, अपने नाम से लेकर अपनी पोस्ट, अपनी एजुकेशन के बारे में मैंने यहाँ बताया है। ये बताया है कि मैं किस कंपनी में प्रेजेंटली वर्क कर रही हूँ, किस पोस्ट पर कर रही हूँ, एंड अपनी स्किल्स के बारे में यहाँ पर मैंने बताया है कि क्या क्या स्किल्स है मेरी। एंड मैंने दोस्तों ये भी बताया है कि मुझे अपना मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, वो भी मैंने यहाँ पर बताया है। एंड अपनी सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी के बारे में बताया है कि किन किन सॉफ्टवेयर की मुझे नॉलेज है, एंड अपनी एक्सपर्टाइज में किन किन चीजों में हूँ, वो भी मैंने यहाँ पर मैंने बताया है। और लास्ट में मैंने अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप भी कम से कम समय में अवियॉन के टेम्पलेट्स का यूज करके एक बेहतरीन वीडियो रिज्यूमे अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हो जाए एनिमेशन। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक न्यू एडिटर वियॉन में ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक वीडियो रिज्यूमे। तो मैंने जैसे कि आपको अपने स्टार्टिंग में वीडियो में बता ही दिया कि मैंने वियॉन के टेम्पलेट्स को यूज करके ही वीडियो रिज्यूमे क्रिएट किया था अपना। और तो मैं आपको वियॉन के टेम्पलेट्स को यूज करके ही वीडियो रिज्यूमे क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो मैं जाती हूँ टेम्पलेट्स में, यहाँ से जाऊंगी चूज टेम्पलेट्स में, एंड यहाँ से दोस्तों मैं अपने फर्स्ट सीन के लिए एक टेम्पलेट सर्च करूंगी। फर्स्ट जो मेरी स्लाइड होगी उसमें मैं अपना नाम, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी। तो इसके लिए मैं जो टेम्पलेट सर्च करूंगी वो होगा इंट्रोडक्शन का। तो मैं यहाँ इंट्रोडक्शन सर्च करती हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों इंट्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे टैम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अब इनमें से मैं अपने अकॉर्डिंगली जो मुझे अपनी वीडियो रिज्यूमे में जो मुझे रखना है वो मैं इसमें से सिलेक्ट करूँगी, फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके फिर उसे अपने अकॉर्डिंग बनाऊँगी। यानी कि मैं एज इट इज़ यूज़ नहीं करूँगी, उसमें चेंजेस करूँगी टैम्पलेट में। ठीक है, दो टैम्पलेट को मैं मर्ज भी कर सकती हूँ, दो टैम्पलेट्स के एलिमेंट्स को। तो इस तरीके से मैं क्रिएट करूँगी ये वाला सीन। तो मैं यहां से अभी ये वाला टेम्पलेट यूज करती हूं। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अभी मैं इस वाले सीन को डिलीट कर देती हूं जो ब्लैंक है। एंड अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो करेक्टर है इससे मैं दूसरे करेक्टर को रिप्लेस करूंगी, और वो जो करेक्टर से मैं रिप्लेस करूंगी वो मैंने पहले से क्रिएट करके अपना सेल्फ एक करेक्टर क्रिएट किया था, खुद को ध्यान में रखती हूँ। यानी कि अपने आप से अपने जैसा दिखता हुआ सिमिलर थोड़ा थोड़ा करेक्टर मैंने क्रिएट किया था वियॉन में, जो कि मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ था अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में, जो कि आगे मुझे अपने इस वीडियो रिज्यूमे में उस अलग अलग कॉस्ट्यूम में यूज़ पड़ेगा उस करेक्टर का। तो वो मैंने इसलिए किया था दोस्तों क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में करेक्टर क्रिएट करना भी आपको बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरा इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ इतना है हाउ टू क्रिएट अ वीडियो रिज्यूमे। तो मैं इस करेक्टर से रिप्लेस करती हूँ उस करेक्टर को। तो मैं जाती हूँ यहाँ रिप्लेस पे, और देखिए यहाँ माई लाइब्रेरी में मेरा वो करेक्टर मैंने सेव करके रखा हुआ है, वो है ये करेक्टर। तो मैं इसे रिप्लेस करती हूँ। तो देखिए एज इट इज़ तो मेरे जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि एज इट इज़ तो नहीं लग सकता है, बट कुछ कुछ सिमिलर हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर मैंने रख दिया। अब दोस्तों मैं एक और टेम्पलेट लूँगी, उसके कुछ एलिमेंट्स मैं इस स्लाइड में ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, मतलब मुझे किसी और तरीके से दिखाना है। तो मैं उसके लिए दूसरा एक टेम्पलेट सर्च करूंगी, जो कि है सब्सक्राइब करके एक टेम्पलेट है, उसका टेक्स्ट अपीयरेंस मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। तो वो है दिस वन। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, एंड इसका जो टेक्स्ट जो अपेयर हो रहा है ये मुझे फॉर्मेट अच्छा लगा है, इसलिए मैं इन एलिमेंट्स को अपने इस स्लाइड में ऐड करूंगी कॉपी करके। तो मैं कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पर इसे मैं डिलीट करती हूँ, एंड यहाँ पर
उसको प्लेस करती हूँ। तो देखिए इसे यहाँ पे मैं प्लेस करती हूँ। अभी थोड़े और चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे जो कि मैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रखना चाहती हूँ। तो पहले मैं यहाँ टेक्स्ट में थोड़े चेंजेस कर देती हूँ, जो अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ आई एम, एंड इन सभी को हम लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं पहले, परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं अपना नाम देती हूँ, नाम मैं कैपिटल में दूंगी हाईलाइट कराते हुए, कंचन चौधरी, परफेक्ट। साइज थोड़ा बड़ा हो गया है तो पहले मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट को बॉक्स को बड़ा कर लेती हूँ। एंड अब यहाँ से मैं साइज यहाँ से ऑटो साइज कर देती हूँ, बिकॉज उतना काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से स्पेसिंग भी मैं कम कर देती हूँ, मैं 1 कर देती हूँ स्पेसिंग। तो अभी देखिए, अभी स्पेसिंग 1.2 ज़्यादा थी, अभी देखिए 1.2 थी तो ज़्यादा थी, अभी मैंने 1 कर दिया है इसे। तो थोड़ा और कम कर देते हैं एक्चुअली स्पेसिंग, तो मैं कर देती हूँ 0.9 या फिर 0.8, परफेक्ट। अभी इसे इतना प्लेस करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इतना। ऑटो साइज से ये फ़ायदा होता है कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। अगर फिक्स रख देंगे, एक बार फिक्स रख दिया, ऑटो साइज नहीं चेक किया, तो फिर वो जितना फिक्स रखोगे आप उतना ही रहेगा, चाहे आप अपने इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज इंक्रीज करते रहिए चाहे डिक्रीज करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम ऑटो साइज का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने अकॉर्डिंग रख सकें टेक्स्ट को। कभी फिक्स रखना होता है टेक्स्ट तो आप यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं नीचे वाले टेक्स्ट में भी थोड़े चेंजेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ ईटी मंत्रा, एंड यहाँ पर मैं डालूँगी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अपना पोस्ट का नाम मैं यहाँ डाल रही हूँ एट, ठीक है। अभी इसको बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, क्योंकि ये भी शायद फिक्स है, इसलिए देखिए फिक्स साइज है इस टेक्स्ट का। तो इसे मैं यहाँ रखती हूँ, एंड ये हमारा ये पोर्शन हो गया, परफेक्ट। ये हम एलिमेंट्स हटा देते हैं, ये वाले एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी हमें नीड नहीं है, ओके। तो अब मैं इसको यहाँ ऊपर प्लेस करती हूँ, परफेक्ट। इसको इतना, अभी थोड़ा इसको नीचे करते हैं एंड इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, और कुछ और प्रॉप्स हम इस सीन में ऐड करते हैं। तो मैं जाती हूँ प्रॉप्स में, और यहाँ से मैं लाइन सर्च करती हूँ, एंड लाइन में से मैं कोई डिज़ाइनिंग लाइन लूँगी जो कि मैं यहाँ अपने नाम पर, नाम को फ्रेम करूंगी एक तरीके से उस लाइन, उस प्रॉप से। तो वो जो प्रॉप है ये है, तो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, एंड इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं और इसे इस तरीके से रखते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इतना, परफेक्ट। अभी एक और ऐसा ही लाइन प्रॉप मैं यूज़ करती हूँ नीचे भी लगाने के लिए, इसी को कॉपी करती हूँ एंड देन पेस्ट करती हूँ एंड मिरर करती हूँ। एक और बार मिरर करते हैं, रोटेट करना पड़ेगा एक्चुअल, इतना, परफेक्ट। ऐसे थोड़ा और जूम करना पड़ेगा, इतना, परफेक्ट। अभी सीन एकदम अच्छा लग रहा है, ये थोड़े कलर कॉम्बिनेशन रख देते हैं अच्छे से, ताकि अभी ये बोरिंग सा लग रहे हैं कलर, थोड़े कलर थोड़े अट्रैक्टिव रखते हैं। तो ये इसका कलर तो मैं अपने जो ईटी मंत्रा का लोगो का कलर है उसी के अकॉर्डिंग रखूँगी। तो ये मैं रखूँगी पर्पल कलर का, क्योंकि हमारे लोगो में, ईटी मंत्रा के लोगो में पर्पल कलर है। तो पर्पल कलर मैं यहाँ से रखूँगी पर्पल, दिस पर्पल, परफेक्ट। और इतने पोर्शन को मैं रखूँगी ऑरेंज, क्योंकि हमारे ईटी मंत्रा के लोगों में ऑरेंज कलर भी है। तो ऑरेंज मैं यहाँ से ऑरेंज देखती हूँ,
ये वाला ऑरेंज नहीं है, ब्राइट ऑरेंज है एक्चुअल में। अभी हम इसमें एक रेक्टेंगल पीछे प्लेस कर देते हैं, तो मैं रेक्टेंगल सर्च करती हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से मैं इसमें रेक्टेंगल लगाती हूँ। ठीक है, बैक कर देती हूँ इसे मैं, एंड इसका कलर दोस्तों मैं ब्लैक रखूँगी, बिकॉज वाइट वाइट इसको थोड़ा मुझे कंपनी के नेम को थोड़ा हाईलाइट करते हुए दिखाना है, तो इसलिए मैं इसको ब्लैक रखूंगी। ब्लैक में एकदम हाईलाइटेड लग रहा है ये जो लोगों के, ओ सॉरी, इस टैक्स के जो कलर्स हैं। थोड़ा इधर कर लेते हैं शिफ्ट, एंड रेक्टेंगल के साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ, इतना परफेक्ट। अभी इसका कलर थोड़ा लाइट कर देती हूँ ताकि प्रॉपरली दिखे, एंड इसको भी थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं। एक्चुअली इतना ऑरेंज कलर इसमें है, परफेक्ट। थोड़ा रेक्टेंगल का साइज इंक्रीज कर लेते हैं नीचे से, इतना परफेक्ट। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इनमें थोड़ा गैप कर देते हैं क्योंकि जे एकदम चिपक रहा है इससे, इसलिए अभी परफेक्ट लग रहा है। अभी इसको रखते हैं यहाँ, परफेक्ट। अब दोस्तों इन टेक्स्ट में एनिमेशन पहले से लगा हुआ है क्योंकि हमने व्योंड के टेम्पलेट्स यूज़ किए हैं इसलिए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं इनके एंटर एग्जिट इफेक्ट में। तो एग्जिट इफेक्ट तो हालांकि मैं इसमें नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ इसमें एंटर इफेक्ट में थोड़े चेंजेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा टाइम में लाना चाहती हूँ, तो इसमें मैं 1.2 का डिले करती हूँ, एंड इसमें ये प्रॉप हमने अलग से ऐड किया है तो इसलिए इसमें कोई भी एंटर इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो मैं वो मैं लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ से लगाती हूँ ब्लर एंड 1.4, और इसको हम करते हैं 1.5, परफेक्ट। इसका इनका सबका दोस्तों देखिए जो एंटर इफेक्ट है वो स्लाइड लाइन टू राइट है, और तो मैं जो ये नाम का जो है इसको उल्टा कर देती हूँ, मतलब इसको मैं स्लाइड लाइंस टू लेफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी हम इस ये ट्रांजिशन हटा देते हैं यहाँ से। अभी एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं, प्रीव्यू करके कि कैसा लग रहा है हमारा सीन। प्रीव्यू करके इसलिए देख रही हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने एंटर एग्जिट इफेक्ट लगाए तो है, तो देखिए मेरे से गलती हो गई, मुझे इनमें भी एंटर एग्जिट इफेक्ट लगाना चाहिए बिकॉज वो रखे हुए वहाँ अच्छे नहीं लग रहे हैं सिंपली। तो इनमें भी मैं एंटर एग्जिट इफेक्ट लगा देती हूँ, एंड इनमें लगाती हूँ मैं स्प्लिट करके एंटर एग्जिट इफेक्ट, या फिर ये वाला लगाती हूँ, एंड टाइमिंग रखती हूँ मैं, ये देखती हूँ इसका टाइमिंग क्या है। तो इसके टाइमिंग से पहले कुछ 0.7 सेकेंड्स पर हम इनको अपियर कराएंगे। ठीक है, थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, परफेक्ट। अब दोबारा प्रीव्यू करके देखती हूँ कि परफेक्टली अकॉर्डिंगली अपियर हो रहा है या नहीं, सारा टेक्स्ट एकदम परफेक्ट हो रहा है, ऐसे ही चाहिए मुझे। अब दोस्तों मैं इसमें ट्रांजिशन भी एक्चुअली मैं लगा देती हूँ बिकॉज ये थोड़ा टेक्स्ट डिले में आ रहा है, तो उतने टाइम के लिए हम यहाँ ट्रांजिशन लगा देते। तो मैं यहाँ से लगा देती हूँ रोटेट का, तो हम ये लगा देते हैं, परफेक्ट। थोड़ा टाइमिंग इतना रख देते हैं इसका, परफेक्ट। अब दोस्तों देखिए हमारा फर्स्ट सीन रेडी हो चुका है, मतलब फर्स्ट स्लाइड रेडी हो चुकी है हमारे वीडियो रिज्यूमे की। तो अभी ये वाला जो सीन है मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, और अब मैं क्रिएट करती हूँ सेकंड सीन, मतलब सेकंड स्लाइड क्रिएट करती हूँ अपने रिज्यूमे की। और सेकंड स्लाइड में दोस्तों मैं क्या दिखाऊंगी, एजुकेशन की, क्या क्या एजुकेशन मैंने ली है, तो उसके लिए मैं स्लाइड क्रिएट करती हूँ। तो उसके लिए भी दोस्तों मैं टेम्पलेट ही यूज़ करूँगी वियॉन्ड का कोई। तो मैं जाती हूँ फिर से टेम्पलेट्स में, चूज टेम्पलेट्स में जाऊँगी। अब यहाँ से इस बार दोस्तों मैं सर्च करूँगी एजुकेशन, तो एजुकेशन से रिलेटेड देखिए इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स आए तो हैं, लेकिन मुझे इनमें से दोस्तों इनमें से ये वाला पसंद आया है तो मैं इसे यूज़ करूँगी। तो इसे मैं सिलेक्ट करती हूँ,
परफेक्ट। अब दोस्तों देखिए, करेक्टर आप देख ही रहे हैं, जैसे कि मैं इसे रिप्लेस करूंगी अपने करेक्टर से। और जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैंने ये जो अपना ये जो करेक्टर है, खुद को ध्यान में रखते हुए जो बनाया है, वो मैंने अलग अलग कॉस्ट्यूम में तैयार किया था। तो मैं इसे रिप्लेस कर लेती हूँ। तो ये देखिए, स्कूलिंग का मैंने यहाँ पर ये करेक्टर पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है माई लाइब्रेरी में, तो मैं रिप्लेस करती हूँ इससे। एंड इसको भी स्कूलिंग वाले करेक्टर से ही रिप्लेस करती हूँ। एंड इसको करती हूँ मैं ग्रेजुएशन वाले से, जो कि देखिए यहाँ पर मैंने क्रिएट करके पहले से रखा हुआ है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। परफेक्ट। अब तो दोस्तों इनके एक्शन मुझे चेंज करने होंगे, क्योंकि मुझे एक्शन का ये नहीं रखने हैं। तो बैक का मैं रखती हूँ दिस वन। परफेक्ट। फेस में फ्रंट कर देती हूँ। एंड इसमें रखती हूँ मैं हैंड करके रखती हूँ। हैप्पी देखते हैं ये वाला, एक्साइटेड। मोस्टली लोग 12th हो जाता है तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब हम कॉलेज में जाएंगे, तो इसलिए मैं ये वाला एक्शन रख देती हूँ। ठीक है। और इसमें हम रखेंगे मेडल करके कोई डिग्री, सॉरी डिग्री करके एक्शन हो शायद कोई, इसमें नहीं है तो मेडल करके सर्च करते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन करके सर्च करते हैं ये। परफेक्ट। होल्डिंग डिप्लोमा, जो भी डिग्री है वो होल्ड करते हुए एक एक्शन यहाँ अवेलेबल है, मैं इसका यूज़ करती हूँ। परफेक्ट। यहाँ पर टेक्स्ट में चेंजेस कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ एजुकेशन। परफेक्ट। यहाँ से मैं रखती हूँ ये वाला एंड बोल्ड कर देती हूँ इसे। परफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी स्कूलिंग की, तो यहाँ पर मैं स्कूलिंग की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो मैं देती हूँ यहाँ पर 10th फ्रॉम, सॉरी कैपिटल में आ रहा है, फ्रॉम ICSE बोर्ड इन 2010 विद फर्स्ट डिवीज़न। परफेक्ट। इसी को कॉपी कर लेती हूँ, इसी टेक्स्ट को, एंड इसको यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे 12th डालना है यहाँ पर 12th, एंड यहाँ से 2012 करना है, क्योंकि मैंने 2012 में अपनी 12th की थी। ओके। बोर्ड भी यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड हो गया था ISC। परफेक्ट। अभी साइज, अभी ये बहुत छोटे दिख रहे हैं, मैं अभी एक साथ इनके साइज इंक्रीज करूँगी इस इन टेक्स्ट बॉक्सेस के। अभी इधर भी मैं फिल कर लेती हूँ पहले ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन। तो करती हूँ अब दोस्तों इसका, इन टेक्स्ट बॉक्सेस का साइजेस मैं इंक्रीज कर लेती हूँ, बिकॉज काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। तो साइज़ मैं यहाँ से रखती हूँ 20 ज़्यादा हो गया एक्चुअली, 15 रखते हैं, बिकॉज बाहर नहीं निकलना चाहिए। और मैं इनका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना चाहूँगी, तो मैं रखूँगी यहीं से लाटो। परफेक्ट। बोल्ड कर दूँगी इन्हें ताकि क्लियरली दिखें। अभी थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं इतना। परफेक्ट। इतना। एंड इन कैरेक्टर्स को थोड़ा ऊपर कर देते हैं एक्चुअली इतना। अब दोस्तों इनको सेट कर लेते हैं प्रॉपर्ली। इसको मैं थोड़ा इनको ऊपर करूंगी इतना। परफेक्ट। थोड़ा बढ़ा लेते हैं। साइज़ थोड़ा कम रखना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज़ ये बाहर निकल रहा है। तो मैं रखती हूँ 13 रखते हैं ये, इतना साइज़ परफेक्ट है।
क्योंकि हमारा टैक्स इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग टैक्स हमें इसके अंदर ही रखना है। ओके, तो इनको लेफ्ट अलाइन करते हैं पहले तो। परफेक्ट, अब थोड़ा इतना रखती हूँ एंड इसे मैं इतना रखती हूँ एंड इसे मैं इतना, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं इन्हें, इन दोनों को यहाँ पर। ये मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा देती हूँ, इतना रखती हूँ एंड इसका साइज थोड़ा हम इतना कर देते हैं। परफेक्ट, एंड इसका हम साइज कलर चेंज कर देते हैं, वाइट पे वाइट नहीं दिख रहा है तो हम इनमें से कोई कलर रख देते हैं। नहीं, ये नहीं रखेंगे ब्लू, क्योंकि हमने ब्लू टच दिया है तो हम ब्लू ही रखेंगे। ये एकदम परफेक्ट। बैकग्राउंड हम दोस्तों इसका चेंज करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ये रखती हूँ, ये अप्लाई करती हूँ, ये रख लेते हैं, एकदम परफेक्ट लग रहा है। इसको वाइट करके देखती हूँ क्या लग कैसा लगता है ये। हाँ, एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा सेकंड स्लाइड भी रेडी हो चुका है। अब मैं अपना थर्ड स्लाइड क्रिएट करूँगी वीडियो रिज्यूमे का। तो थर्ड स्लाइड में मैं क्या रखना चाहती हूँ, थर्ड स्लाइड में मैं रखना चाहती हूँ किस कंपनी में मैं काम करती हूँ। तो उसके लिए भी मैं टेम्पलेट सर्च करूँगी। अब एज सच इसमें कंपनी से रिलेटेड तो कोई टेम्पलेट होगा नहीं, तो मुझे सारे टेम्पलेट्स में से खंगालना पड़ेगा कि कौन सा टेम्पलेट उसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा मेरे उस स्लाइड के लिए। तो मैं जाती हूँ फिर से टेम्पलेट्स में एंड यहाँ से मैं सर्च करती हूँ फिर से इंट्रोडक्शन, शायद उसमें मुझे मेरा काम का टेम्पलेट मिल जाए। तो इसमें से शायद हो कोई, हाँ दिस वन, इसको यूज़ करूँगी मैं। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ से मैं क्या करती हूँ, पहले तो करेक्टर को ही चेंज करती हूँ जो कि मुझे अपना रखना है। परफेक्ट, इसके एक्सप्रेशन में जाकर हम इसको लुक डाउन कराते हैं, क्योंकि लैपटॉप चला रही है तो नीचे देखनी चाहिए। परफेक्ट, एंड यहाँ अब मैं टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे मैं डालती हूँ ईटी मंत्रा ई लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी कंपनी। एकदम परफेक्ट है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इतना। परफेक्ट, थोड़ा ऊपर रखते हैं एंड इसको बोल्ड कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा पतला दिख रहा है अभी, परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ से मैं अपनी अपना पोस्ट डाल देती हूँ यहाँ पर, एज आ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेटर। परफेक्ट, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तो पहले मैं इसको राइट अलाइन कर लेती हूँ। तो इसको इसको एंड इसको और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ इतना। परफेक्ट, और इसको क्योंकि मुझे ये भी हाईलाइट करते हुए दिखाना है ना अपने पोस्ट को, किस पोस्ट पे मैंने अपनी पिछली कंपनी में, मतलब अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के लिए रिज्यूमे क्रिएट कर रही हूँ तो अपने पोस्ट को हाईलाइट करते हुए दिखाना पड़ेगा मुझे कि मैं पिछले कंपनी में किस पोस्ट पर काम करती थी। तो इसीलिए मैं इसको हाईलाइट करती हूँ बड़ा करके, मतलब इतना रखो कि फोकस जाना चाहिए। जो भी जिस भी टेक्स्ट पे अगर आप चाहते हैं अपने यूज़र का, जो भी ऑडियंस है उसका फोकस जाए, तो उसको बड़ा रखिए। दो ही तरीके होते हैं, या तो उस टेक्स्ट को आप उसका साइज बड़ा रखिए औरों के कंपैरेटिव, और टेक्स्ट के कंपैरेटिव, एंड उसका कलर डिफरेंट रखिए
दूसरे टेक्स्ट के कंपैरेटिव। तो फोकस ऑटोमेटिकली यूज़र का या फिर जो भी ऑडियंस है आपके वीडियो की, उसका ऑटोमेटिकली फोकस जाएगा आपके उस टेक्स्ट पर जिसको आप दिखाना चाहते हैं। तो उसको हाईलाइटेड रखना ज़रूरी होता है। तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ दोस्तों। कलर मैं रखती हूँ यहाँ से ग्रीन, ग्रीन नहीं एक्चुअली, ना हाईलाइट होके नहीं दिख रहा है, पिंक रखते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। परफेक्ट, ये हाईलाइटेड लग रहा है थोड़ा। इसका साइज थोड़ा मैं बढ़ा लेती हूँ, करेक्टर का इतना रखती हूँ। परफेक्ट, अभी कुछ और एलिमेंट्स मुझे इसमें ऐड करने हैं, तो मैं पहले इसे इतना रख देती हूँ यहाँ साइड में इस तरीके से। परफेक्ट, अभी दोस्तों मैंने ये टेम्पलेट उठाया है इसलिए ऑलरेडी इन सारे एलिमेंट्स में एंटर इफेक्ट लग रहे होंगे, तो इसलिए मुझे कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके एंटर इफेक्ट काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। मैं एक बार आपको प्रीव्यू करके दिखा देती हूँ, तो मैं छेड़ूंगी नहीं ज़्यादा, बिकॉज ये मुझे लगता है जहाँ तक एकदम सही लग रहे हैं। बस मैं इसको थोड़ा छेड़ती हूँ, इसमें मैं दूसरा एंटर इफेक्ट लगाऊंगी फ्लाई वर्ड्स का, ये परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये मुझे हाईलाइट करते हुए दिखाना है थोड़ा इसे। एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों बाकी का जो एरिया है काफ़ी खाली लग रहा है, तो इसे भी मैं पहले भर देती हूँ। तो मैं यहाँ से एक बिल्डिंग सर्च करती हूँ पहले, एंड ये वाली बिल्डिंग देखती हूँ, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच करके इतना इसके बैक में लगा देती हूँ, क्योंकि किसी कंपनी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बिल्डिंग में ही होगी कंपनी, तो इसीलिए मैं बिल्डिंग का इमेज लगा रही हूँ। एंड इस एरिया को भी थोड़ा भरने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड सर्च करते हैं, बैकग्राउंड हाँ ये स्लिप बैक रूप में यूज करती हूँ। तो इसे थोड़ा रोटेट करती हूँ मैं इतना, थोड़ा और रोटेट करते हैं इतना, एंड इसे मैं प्लेस करती हूँ इस तरीके से, थोड़ा एक्चुअली छोटा करती हूँ क्योंकि रोटेट प्रॉपरली कर नहीं पा रही हूँ। इस तरीके से थोड़ा और स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा ऊपर करती हूँ, अब रोटेट करूँगी। परफेक्ट, सेव कर लेते हैं दोस्तों साथ के साथ, बिकॉज मैं सेव इसलिए करती रहती हूँ ताकि मेरा जो भी अगर बाई चांस नेट चला गया या कुछ भी चला गया तो ये सारा काम लॉस हो जाएगा, अगर वेबसाइट पे भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो। इसलिए हाल के हालात दोस्तों याद रखिए, कभी भी बियॉन्ड पे काम कीजिए, सेव करते रहिए साथ के साथ। कलर मैं यहाँ से ये रखती हूँ इसका, एंड बैकग्राउंड का भी कलर दोस्तों हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड में हम ये रखते हैं, नहीं ये रखते हैं, ब्लू टच देंगे बिकॉज हमने ऑल ओवर ब्लू ही यूज़ कर रहे हैं सब जगह, तो हम ब्लू टच देते रहते हैं। और टेक्स्ट दोस्तों मैं यहाँ से ऐड कर लेती हूँ, एंड टेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिखती हूँ Currently, I am working in. Perfect. इसका फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं, मिलाटो ही रखते हैं, ठीक है, और ऑटो साइज कर देते हैं इसे, टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग इसका साइज रखेंगे हम, और लेफ्ट अलाइन भी करेंगे। थोड़ा जूम करते हैं इसे,
इतना रखेंगे। अभी शेप को हम उसके अकॉर्डिंग कर देंगे फिर से, और बोल्ड कर देती हूँ मैं इसे, परफेक्ट। वाइट कर देती हूँ कलर इसका, परफेक्ट। थोड़ा इसको यहाँ ऐसे, रोटेट करती हूँ थोड़ा सा, परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये सीन भी हमारा, थर्ड सीन भी क्रिएट हो चुका है, कितना ऑसम लग रहा है। ठीक है, बस दोस्तों टेम्पलेट्स को आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। आप टेम्पलेट्स यूज कीजिए, लेकिन उनमें ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे, मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही टेम्पलेट में, बहुत बहुत माइनर चेंजेस कर रही हूँ। जहाँ कहीं नीड लग रही है मुझे तभी कर रही हूँ, और बाकी अपने खुद के भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स में थोड़े बहुत प्रॉप्स ऐड कर रही हूँ स्क्रीन को भरने के लिए, स्क्रीन को स्लाइड को अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए। ओके, तो अगला सीन क्या होगा दोस्तों, अगला सीन मैं क्रिएट करूँगी स्किल्स के लिए। तो स्किल्स के लिए मैं यहाँ से टेम्पलेट को सर्च कर लेती हूँ एक बार दोस्तों। मैं इसको प्रीव्यू करके देख लेती हूँ, बिकॉज अभी मैंने इस सीन को प्रीव्यू करके नहीं देखा कि कैसा लग रहा है, प्रीव्यू कर लेती हूँ। तो इन दोनों में मैंने एंटर इफेक्ट नहीं लगाया है, तो इन दोनों में मैं एंटर इफेक्ट लगा देती हूँ, बिकॉज ये बोरिंग सा लग रही है स्क्रीन फिर। तो मैं इसमें एंटर इफेक्ट लगाती हूँ, स्लाइड लेफ्ट करके, परफेक्ट। टाइमिंग हम 0.7 रखते हैं इसका, और इसमें भी एंटर इफेक्ट लगाती हूँ मैं, स्लाइड लगाती हूँ राइट, नहीं लोअर राइट लगाते हैं, परफेक्ट। टाइमिंग हम रखते हैं इतना ही रहने देते हैं, और टेक्स्ट का टाइमिंग हम बढ़ा देंगे बस। पॉप लगाती हूँ इसमें, एंड इसका टाइमिंग हम 0.7 कर देते हैं, परफेक्ट। इसमें थोड़ा डिले लगाते हैं 0.3, एंड इसका टाइमिंग हम 1 करते हैं। इसका डिले हटा देते हैं, आप प्रीव्यू करते हैं दोबारा, परफेक्ट। अभी एकदम परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब ये सीन एकदम प्रॉपरली रेडी हो गया है। अभी ट्रांजिशन रह गया था, अब पर रेडी हो चुका है। अब इनमें भी दोस्तों हम ट्रांजिशन लगा देते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो इसमें मैं ट्रांजिशन लगा देती हूँ इरीज का, ये वाला राइट। एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है, परफेक्ट। अभी हमारे तीन सीन देखिए दोस्तों रेडी हो चुके हैं। इस तीसरे में भी मैं ट्रांजिशन लगा देती हूँ, फिर से जाती हूँ ट्रांजिशन में, एंड यहाँ से मैं इसमें लगाऊंगी सॉरी फ्लाइट आउट ट्रांजिशन में इसमें यूज़ करूँगी, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमारे थ्री स्लाइड्स रेडी हो चुके हैं वीडियो रिज्यूमे के, और हमारा जो क्लास है ऑलमोस्ट मोर देन 34 मिनट्स का हो चुका है, जो कि काफ़ी लंबा आज का हमारा क्लास हो गया। लेकिन हमारा टॉपिक पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं अपने इस टॉपिक को अपनी नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगी, और आज की इस क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा और इकट्ठा आपको एक साथ समझ में भी नहीं आएगा। दोस्तों अगर आप अपना वीडियो रिज्यूमे खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारी प्रोफेशनल वीडियो रिज्यूमे मेकर सर्विस ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर जाके अपना प्रोफेशनल वीडियो रिज्यूमे हमसे क्रिएट करवा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।